अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज मैं आपके लिए काठिया वारी बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट बनाने की रेसिपी लाई हूँ जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा इमली वाली खट्टी बहुत ही मज़ेदार सी ये चना चाट बन तैयार हुई है और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है आज मैं आपको ऐसी चाट बनाने की रेसिपी देने वाली हूँ जिसे खाने के बाद यकीनन आप इसे बार बार बनाएंगे और एक बार जब आप इस तरह से गर्मा गर्म ये चाट बनाकर खा लेंगे तो यकीन से कह सकती हूँ कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा बहुत ही मज़ेदार ये चाट बनती है तो चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर इस मज़ेदार सी चाट को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चने लिए हैं और मैंने इनको ओवरनाइट के लिए पहले सोक कर लिया था इसके बाद इसका पानी जो था वो फेंक दिया था जिसमें भुगोए थे चने और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें मजीद पानी डालकर चनों को मैंने गला लिया है सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक डाला था वन टीस्पून और बेकिंग सोडा डाला था वन फोर्थ टीस्पून यानी मीठा सोडा तो चनों को मैंने गला लिया था ये दोनों चीज़ें डालकर और इनका जो ये पानी है इसे ज़ाया नहीं करना है बहुत ही ताकतवर पानी होता है इसका तो इसी पानी के साथ ही ये काठिया वाली चना चाट हम बनाएंगे तो यहाँ मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है कि चनों को मैंने किस तरह से बॉइल किया है तो इसमें मैंने एक चुटकी के करीब और इन कलर का फूड कलर ऐड किया था इससे कलर दिखने में ख़ूबसूरत लगता है आप डालना चाहें तो ठीक वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं तो देखिए ये चने हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं तो चलिए अब चाट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से ये स्पेशल चना चाट बनके तैयार होती है तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी आलू दो मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू हैं और मैंने इनको काट के इस तरह से हाथ से मसल लिया था तो आलू डालने से ये है कि इसमें हमें कॉर्नफोर ऐड नहीं करना पड़ेगा इसको गाढ़ा करने के लिए और इस आलू से ही ये चाट हमारी बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि चने जोन हम काफ़ी पानी अब्जॉर्ब करते हैं जब ये ठंडे होते जाते हैं तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा तो उबला हुआ आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से तो अब इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला वन टेबल स्पून भर के आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च और मसाला जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे वन टेबल स्पून सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो विवर दिन शाला तप की चाट भी बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बनेगी तो यहाँ पे बुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है हाफ़ टेबल स्पून ये भी इसमें ऐड कर देंगे नमक देखिए यहाँ पे मैंने काला नमक इस्तेमाल किया है हाफ टेबल स्पून मैंने काला नमक डाला है काला नमक डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इस चाट में लाजमी डाला जाता है इससे ज़ायका बहुत ही अच्छा आता है अब सभी चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छी तरह से गैस का फ़्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है लो टू मीडियम फ्लेम पे इस चाट को हम अच्छी तरह से पकाते जाएंगे और ये चाट सर्दियों के इस मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है और आम दिनों में भी बहुत ज़बरदस्त लगती है बहुत ही हेल्दी चना चाट बन के तैयार होती है अब इसको खट्टा बनाने के लिए इसमें डाला जाता है इमली का पानी तो पचास ग्राम इमली को मैंने पानी में भुखो दिया था जब इमली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई तो इसके बीज मैंने अलग कर लिए थे और एक प्याली में इमली का जो पानी था वो मैंने अलग कर लिया था तो अब एक प्याली इमली का पानी जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे बहुत ही चटपटी चटखारेदार चाट हमारी बन रही है बहुत ही कम चीज़ों बहुत ही कम मसालों के साथ ये देखिए बस हमने इसको तीन से चार मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पका लिया है ताकि अच्छा सा जो फ़्लेवर है मसालों का और इमली का वो हमारी चाट में आ जाए तो यहाँ पे चाट को मैंने डिश आउट कर लिया है और अब मैं आपको बताऊँगी इसके लवाज़मात जो कि इसके साथ पेश किए जाते हैं जब इस चाट को सर्व किया जाता है तो उस टाइम पे ही आपने इसके लवाज़मात जो उनसे हैं वो इसके साथ पेश करने हैं तो इसमें ऊपर से हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और प्याज़ देखें इस तरह से बारीक लच्छेदार आप काट कर लेंगे जो कि बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़्लेवर आता है प्याज़ का इस चना चाट के अंदर तो आपने इस तरह से बिल्कुल फाइन काट के बारीक प्याज दुनसिया वो ऐड करनी है हरी मिर्चें मैंने दो बारीक काट के ऐड की हैं अगर बच्चों ने खानी है या नहीं पसंद करते तो आप हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं लेकिन अगर डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इनका भी अब इसके अंदर मैंने निमको इस तरह से ऐड कर दी है ये भी बहुत अच्छी लगती है इसमें और आप चाहें तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब काठिया वाली चना चाट बन के तैयार होती है तो व्यूवर्स मैंने आपके साथ काठिया वाली चना चाट की बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी जो सी है वो शेयर की है जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है बहुत ही चटपटी और हेल्दी है ये चाट तो आगे जैसे रमज़ान का महीना आ रहा है तो ज़रूर आप इसको भी ट्राई कीजिएगा तो सर्व करके मैंने आपको दिखा दी है तो वीवर्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल पर नए हैं या फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें तो इन शाला तौ मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़